ओके सो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर गाइस, दैट इज सिलोगिज्म. कीर्ति, यू आर सेइंग समथिंग, आई कुडंट हियर यू. मैम जो पहले का लेक्चर जो जा रहे हैं उसके भी वीडियोस होते हैं क्या अपलोड? हाँ, उसके भी वीडियोस होते हैं, अपलोड हुए हैं. अभी मैम मैम है ना, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रही है, सो आई थिंक ट्यूसडे तक हो जाएगा. ओके तो तुम लोगों को दिख जाएगा वीडियोस यूट्यूब पे, ठीक है. मैम स्क्रीन इज ब्लैक, स्क्रीन ब्लैक है। किस्मत ही यस ब्लैक मैम। हो गया, अब स्क्रीन का क्या बोले अब. ओके हो रहा है वाइट, एक मिनट. ओके, जो लोगों का गाइस सीजीएल का एग्जाम है, मैंने बोला था सॉल्व करवाऊंगी पेपर्स, बट पेपर्स नहीं मिलने के वजह से गाइस सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, अभी भी अगर किसी को मिल रहा है पेपर तो मुझे दे दो, अच्छा नहीं लग रहा. मैंने तुम लोगों को कमिटमेंट दिया था. गाइस जस्ट अ मिनट, आई एम अनेबल टू शेयर द स्क्रीन ऑफ दिस. किसी ने कुछ बोला, मेरे को आवाज नहीं आ रहा. ओके सो गाइज, आई थिंक देर आर सम पीपल हु हैवेंट अटेंडेड द सिलोगिज्म ऑफ द प्रीवियस, आई मीन प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर ऑफ सिलोगिज्म. सो गाइज, मैं आज है ना एकदम फटाफट से तुम लोगों को पहला बेसिक बता देती हूँ. आज ऑलरेडी बहुत सारा टाइम गया अपना, ठीक है. और अभी गाइज आगे से ना कुछ भी रहा ना, तुम लोग ये मैम के नंबर पे पूछ लेना जो भी डाउट्स है, ठीक है. आगे बढ़ते हम लोग. नाउ गाइज, टॉकिंग अबाउट सिलोगिज्म, सिलोगिज्म में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है. क्या क्या सीखा गाइज सिलोगिज्म. बेसिकली व्हाट इज सिलोगिज्म इज, सिलोगिज्म इज यू ऑल विल बी गिवन द स्टेटमेंट. गाइज हमें क्या करना है, उस स्टेटमेंट को हमें डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. समझ में आया सबको इतना. अब सिलोगिज्म में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, पहले मुझे ये बता दो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन. वॉइस इशू वगैरह है तो अभी बता मैम, दो. यस डन, यस मैम, ठीक है. यस बनी यू वर देयर इन द लास्ट लेक्चर. यस मैम, हाँ, ऐसा कौन कौन नए हैं, बहुत सारे लोग नए हैं क्या. चलो, मैम मैं लास्ट लेक्चर नहीं मैम, कीर्ति नहीं थी, सायली नहीं थी, मैं भी नहीं था मैम, मयूर मजावस मैम मैं कमी भी है नहीं का. थी लास्ट लेक्चर. चलो ठीक है, हम लोग है ना बेसिक से समझ लेते पहले फटाफट से, ठीक है. नाउ सिलोगिज्म में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, देयर वुड बी अ स्टेटमेंट गिवन. ओके सलोनी, योर फर्स्ट लेक्चर. सलोनी वेलकम टू माय लेक्चर. ओके ऑल द बेस्ट, आगे अच्छे से समझने लेना, ठीक है. सिलोगिज्म क्या है गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आर रीजनिंग. एंड गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म इन द अपकमिंग सीजीएल एग्जाम, ठीक है. ओके सिलोगिज्म में कैसे क्वेश्चन आते गाइज, पहले तो एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसके नीचे क्या दिया होता है, कंक्लूजन, ठीक है. जैसे समझो कि मैं अभी बोल रही हूँ कि ओके गाइज लेक्चर इज ओवर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, तो तुम लोग क्या कंक्लूजन निकालोगे इसका, बोलो क्या लेक्चर निकालोगे. खत्म हो गया, हाँ लेक्चर खत्म होने वाला है. या तो ऐसे बोलोगे, लगता है मैम क्या मैम ही घूमने जा रही, लगता है इतना जल्दी खत्म कर दिया, 5 मिनट हुआ नहीं. ऐसे हम सोचेंगे ना, नेगेटिव तो आता ही है वैसे भी. हाँ तो गाइज ये होता है कंक्लूजन, किसी ने कुछ बोला और हम लोग कुछ सोच रहे, कुछ लोग कुछ भलता ही सोचते हैं, उसको बोलते हैं कंक्लूजन. नाउ गाइज ऑप्शंस क्या क्या होते हैं एग्जाम में. ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे, ऑप्शन ए फॉलो. फॉलो का मतलब क्या होता है, मतलब सही है. सही को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉलो, ठीक है. डज नॉट फॉलो मतलब रॉन्ग. नेक्स्ट इज गाइज बोथ वन एंड टू फॉलोज. थर्ड होता है आइदर वन और टू. ओके फोर्थ होता है नीदर वन नॉर टू. ठीक है, आज मैं तुम लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, आइदर का, आइदर और के जो कंडीशंस होते हैं ना, वो सारे कंडीशंस मैंने सिखा देने हैं तुम लोगों को, ठीक है. नाउ गाइस, सिलोगिज्म के मैंने तुम लोगों को कुछ चीजें बताई थी, याद है किसी को कुछ क्या क्या बताया था मैंने, किसी को कुछ तो याद होगा क्या बताया था. वो समर ए समर बी टू सम प्लस फॉर सम बताया था आगे मैंने, टू ओके गाइस यू ऑल वांट मी टू रिपीट दैट. लॉर्ड ड्यूरेशन सिक के बारे में बताया था मैम. यस मैम, यस मैम. आरोही आप थे लास्ट लेक्चर में सिलोगिज्म के. नहीं मैम, बस मैंने ब्लड रिलेशन तक कहीं पढ़ा, लास्ट लेक्चर आपका यही था ना मैम. अच्छा नहीं थे, ठीक है गाइस. तो एक काम करती हूँ मैं, फटाक से ना गाइस तुम लोगों को बेसिक बता देती हूँ. चलो, अगर मैंने बोला तो हमें स्टेटमेंट कैसे दिया होता है गाइस एग्जाम में, हमें ना स्टेटमेंट
स्टेटमेंट कैसे दिया होता है मैं बताती हूँ तुम लोगों को. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट फन नंबर सम, गाइस सम बुक्स आर पेन, सपोज ऐसा स्टेटमेंट दिया है. कुछ बुक्स क्या है, पेन. अब ना इसमें बैठ के ना एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना है. अरे ये क्या एग्जामिनर पागल हो गया है क्या, मतलब ये किताब है और ये पेन है, किताब पेन कैसे हो सकता है, ऐसे सब सोचते नहीं बैठना है. ठीक है, इतना नहीं सोचना है, बस उसने बोला हमने मान लिया, खत्म वहीं पे बात. यस सम बुक्स आर पेन. गाइज मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ, मुझे बताओ इसे ड्रॉ कैसे करना है, आरोही कैसे करना है ड्रॉ. मैम सम बुक आर पेन, तो मैम कुछ बुक्स पेन हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे आइदर और नार का प्रयोग किया, या तो हो सकते या तो नहीं हो सकते. हाँ तो गाइस कैसे करना है, यहाँ पे मैंने बुक बना दिया, यहाँ पे पेन बना दिया. ठीक है नाउ जब भी तुम लोगों को एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए होते हैं, ये तो जनरल नॉलेज बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, सॉरी कॉमन सेंस बता रही हूँ, ऐसे बी या पेन दिया हुआ है तो नो नीड टू राइट फुल फॉर्म गाइज. हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने बी लिखा है, पी लिखा है, गाइज ज्वाइन किया है, इसका मतलब क्या है, कीर्ति बुक जो है ना, बुक का कुछ पार्ट क्या है, पेन. समझ में आया सबको कि ऊपर से जा रहा है. सोहम ओके, सो नेक्स्ट इज गाइज, तो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर लिया है, सम बुक्स आर पेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू ऑल. अगर मैंने यहाँ पे बोला गाइज सम बुक्स आर पेन, तो एक और चीजें होती है, एटलीस्ट बोल सकते हैं हम लोग सम को, क्या क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट बोल सकते हैं, मोस्टली बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, फ्यू बोल सकते हैं. ठीक है, सेकेंड केस गाइज, सेकेंड क्या हो गया. ओके गाइज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. सेकेंड केस कैन बी ऑल बुक्स आर पेन. ओके ऑल बुक्स आर पेन गाइज, हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल बुक्स आर पेन. ऑल बुक्स आर पेन कैसे बनाऊं मैं, के अंदर के सर्कल में बी का, बुक्स का सर्कल. वेरी गुड, ऑल बुक्स आर पेन. ठीक है, सारा का सारा बुक क्या है, पेन. ठीक है, ऑल बुक्स को क्या बोल सकते हैं गाइज, ऑल बुक्स को हम लोग बोल सकते हैं 100% बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ईच बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, एवरी. ठीक है, ईच या एवरी. सो इफ आई एम सेइंग एग्जाम में अगर मुझे ऐसा आता है ऑल बुक्स पेन, मतलब क्या होता है, सारा का सारा बुक क्या है, पेन है. समझ में आ रहा है सबको, सोहम आरोही वरुण प्रियंका एवरीवन. ओके नेक्स्ट गाइस, एक तुम लोगों का दुश्मन था, कौन दुश्मन था तुम लोगों का, मैंने बोला था कोई तो एक चीज है जो तुम लोगों का दुश्मन है, कौन है. ओनली दुश्मन है, इंसानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, इंसान बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है गाइस, चलो किससे दुश्मनी हमारा, ओनली से. ठीक है, ओनली वाला स्टेटमेंट मैं ये बोल रहा है कि ओनली पेन, अगर मैंने बोला ओनली पेन आर बुक्स, गाइस इसे ड्रॉ कैसे करना है मुझे बताएंगे तुम लोग, आप लोग. सॉरी गाइस, मैं मैम सिंगल सिंगल साइड होगा. हाँ टू सर्कल का मैं क्रॉस करेगा. ओके व्हाट अबाउट विशाल, विशाल इज गोइंग टू टेल मी नाउ. विशाल को आता है सब कुछ, लास्ट लेक्चर विशाल वाज देयर इन द लेक्चर. यस मैम हेलो वाला ये है ना सर. एक बेटा सोहम, विशाल व्हाट आर यू सेइंग. मैं वही दो सर्कल निकाल के ना ओनली पेन को डॉट करके क्रॉस कर. अच्छा हाँ, सो हम क्या बोल रहे थे आप. नहीं वो शायद एरो वाला था इसमें, ओनली बुक्स आर पेन. अच्छा देखो यहाँ तुम लोग याददाश्त जो है ना, मेरी बात सुन लो सब लोग, पहले मेरी बात सुन लो सब लोग. तुम लोग आज के आज है ना, आज जैसे लेक्चर खत्म होता है 8:30 बजे, आई वॉन्ट यू ऑल एवरी वन गो टू शॉप. काजू बादाम, काजू नहीं लेना, इतना पैसा नहीं है अपने पास, बादाम ले लो, बादाम 1 किलो, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1.5 किलो ले लो, और रोज़ रोज़ गई 4 बादाम खा लो. तुम लोग की याददाश्त पूरी जा चुकी है. देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ओनली पेन आर बुक्स. ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में कौन आ रहा है, जो सबसे लास्ट में आता है ना, जो सबसे लास्ट में आता है वो क्या होता है, छोटा होता है. यानी कि बुक क्या है विशाल, बुक्स क्या है, बुक्स छोटा है ना, छोटा. यस मैम. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं बनाऊंगी पहले बुक्स बना दूंगी. ठीक है, सारा का सारा बुक्स क्या है, पेन है. विशाल आप यही बोल रहे थे क्या, कुछ और बोल रहे थे. कुछ
है आपसे मैम, मैम मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन दिया है सम बुक्स आर पेन, ठीक है मैम, तो एग्जाम में चार ऑप्शन तो दिया रहेगा ना मैम, तो उसमें कोई एक करेक्ट करना रहेगा, या जैसे आप एरो बना के समझा रही है वैसे बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी, एग्जाम में वैसे बनाना। हर वही एग्जाम में नो नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम, ओके, दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर डायग्राम्स, ओके, दे आर जस्ट गोइंग टू यू जस्ट नीड टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो करता है या नहीं करता है, वन फॉलो टू फॉलो आइदर और नीदर और, बस इतना ही बोलना है एग्जाम में। अच्छा ये कंफ्यूजन है गाइस, मैं इसको पहले ही इसको क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट रुको। जैसे गाइस समझो समझो ये मेरा क्या है, क्या है ये मेरा घर नहीं घर नहीं हो, ये मेरा पीसी है, क्या है बच्चों ये पीसी है, घर नहीं है, ठीक है, वैसे ये पीसी है, इस पीसी को गाइस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नहीं दो नहीं तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, देखो यहाँ पे ये जो तीसरा पार्ट है ना गाइस, यहाँ पे तुम लोगों का प्यारा सा शक्ल रहेगा, ठीक है, जिसको देखते नहीं बैठना है एग्जाम में, और यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसा सब रहेगा यहाँ पे, शक्ल पता नहीं दिखता है या नहीं, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, शायद दिखता है, ओके, नाउ दिस स्क्रीन गाइस, ये वाला स्क्रीन है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहता है, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहता है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन रहता है, ठीक है, यहाँ पे सो बेसिकली यहाँ पे रहेगा ए फॉलो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, बी फॉलो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सी ए और बी बोथ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नीदर ए नॉर बी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, आइदर रहेगा, सो आई हैव टू टिक, या तो ए टिक करना है, या तो बी टिक करना है, या तो सी टिक करना है, या तो डी टिक करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइज, दे आर नॉट कंसर्न विथ योर डायग्राम, दे आर ओनली कंसर्न विथ योर आंसर, ओके जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू, या वेलकम आरोही, सो गाइज हमें आरोही इज एक्चुअली टेलिंग अस राइट दैट हमें जब भी डायग्राम बनाना है गाइज, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर चेक नहीं करता है तो हमें सही नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, हमें सही बनाना है तभी आंसर अपना सही आएगा, ठीक है, एनीवेज इतना सबको समझ में आया कि ओनली पेन आर बुक्स का मतलब है लास्ट में जो आ रहा है बुक्स है ना, बुक्स छोटा है और पेन क्या है बड़ा है, ठीक है, आगे बढ़ते गाइज हम लोग, इसको मैं रब कर देती हूँ, क्या है ये मैम, तो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, ऑल बुक्स आर पेन और ओनली पेन आर बुक्स में, ओके, इसमें आइदर आर नीदर का प्रयोग हुआ है ना, वेरी गुड विशाल, गुड क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वेश्चंस, इसको मैंने जानबूझ के फ्रेम किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर ऑल बुक्स आर पेन्स गाइस, इसका मतलब ये है ना कि समझो कि अपना घर है, ठीक है, अपना घर मतलब किसका, समझो कि विशाल है ना, विशाल समझो गांव में रहता है, विशाल आप कहाँ रहते हो, सॉरी अगर आप गांव में नहीं रहते हो तो बुरा नहीं मानना, कहाँ रहते हो, गांव से ही बना हूँ मैं अभी तो, उदयपुर में, अच्छा ठीक है, तो फिर विशाल गांव में रहते हैं, तो विशाल का गांव में ना बहुत बड़ा क्या रहता है गांव में, ऐसे बहुत बड़ा आंगन, आंगन आंगन, हाँ बहुत बड़ा ऐसा आंगन है बाहर और घर है, तो एक्चुअली घर में कौन रहता है, घर किसका है, विशाल का, यानी कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन गाइज अगर सपोज हम लोग आउटिंग या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, सो विशाल इज कॉलिंग ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप ही कॉल्स मी ऑल्सो, सो सबको बुला रहे, ठीक है, सो गाइज ऐसा पॉसिबिलिटी है इफ ही इज इनवाइटिंग अस कि हम लोग सारे के सारे लोग इसके पास चले जाना है ना, इसके गांव में चले जाना है, हम लोग सब लोग जा सकते हैं, जा सकते कि नहीं बोलो, डिपेंड करता है कि विशाल बुलाता है कि नहीं, मैं आना चिपलून में है, अभी देख लो बाढ़ आई थी, सोच लो अभी मतलब ये बुलाना ही चाहता है, नहीं मैं बता रहा हूँ अभी तो वैसे क्लियर हो गया, अभी आ सकते हो, चलो ठीक है, हम गाइस समझो कि हम चले गए, तो पहले ही मना कर दिया भाई तो कैसे आएंगे, फिर भी हम चले गए, कोई बात नहीं, हम ऐसे बुरा नहीं मानते, हम फिर भी चले गए क्योंकि विशाल ने क्या किया, हमारे लिए सबके लिए टिकट कराई है ना, तो हम सारे लोगों ने चले गए, अब गाइस मैम के घर पे तो जगह ही कम पड़ जाएगा, हाँ हम आंगन बड़ा है ना, मैंने डायग्राम बना के बता दी थी, ये ज्यादा समझना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये गाइस विशाल का आंगन है, ठीक है जी मैम, आंगन गोला नहीं होता,
अरे फीलिंग समझो यार, ठीक है ऐसे ही है समझो। अभी ये ऐसा आंगन है ठीक है, अब यहाँ पे ना सारे लोग आ गए, आरोही आ गई, फिर बनी आ गया, फिर सब सब ए टू जेड जितने नाम वाले सारे लोग आ गए ठीक है, मैं भी हूँ उसमें। चलो सारे लोग आ गए ठीक है। अब गाइस देखो, वैसे तो ये घर किसका था, विशाल का था ठीक है, बट उसने क्या किया, हम सबको प्यार से इनवाइट किया तो हम सारे लोग चले गए। हम सारे लोग चले गए मतलब हम लोग एक्चुअली किस में चले गए, पॉसिबिलिटी। अगर वो बोल रहा है कि मैम क्या आप लोग सब लोग प्लीज आ सकते हो क्या, इज इट पॉसिबल फॉर यू ऑल टू कम, वी आर सेइंग ओके वी विल बी कमिंग। इतना समझा गाइस सबको, स्टोरी के अंदर है ना एकदम ऐसे घुसना नहीं है गाइस, तुम लोगों को बस समझना और बाहर आना है, घर जाना नहीं है विशाल के पास, तुम बाहर आ जाओ। अब मैं ये तो गलत है ना, मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ सपना टूट रहा है मैम। चलो ये जो मोस्ट एग्जांपल मोस्ट था ना, वेलकम। ये जो एग्जाम्पल था ना गाइज, ये एग्जाम्पल था तुम्हारा सेकेंड वाला, यानी कि ऑल बुक्स आर पेन्स का एग्जाम्पल था, कि अगर कोई आना चाहता है तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू गो टू चिपलून। ओके ओके विशाल, यस मैम। या बट गाइज एक और इंसान है क्लास में, जैसे गाइज ये सिर्फ कौन है? एक एग्जाम्पल है, बनी आई एम जस्ट टेकिंग योर नेम, बट ऐसा नहीं है बनी रियल में, ऐसा नहीं है यस बनी रियल चलेगा। में। बट गाइज होता ये है ना, एक तरफ विशाल है और एक तरफ बनी है ठीक है। अब बनी क्या बोल रहा है पता है, मेरे घर पे ना, मेरे घर पे आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है ठीक है। वाई? बिकॉज कोविड चल रहा है, इसलिए कोई भी बाहर वाला मेरे घर पे नहीं आएगा ठीक है। कोई भी हो, क्लास के हो, टीचर हो, कोई भी हो, कोई नहीं आएगा मेरे घर पे ना। सिर्फ कौन आ सकता है पता है, कौन? मम्मी पापा, फैमिली? मैं नहीं, फैमिली ठीक है, फैमिली आ सकता है, समझा? मतलब ये लिमिटेशन दे रहा है, ओनली ओनली वाला जो केस है ना गाइज, ओनली अपना दुश्मन इसलिए है बिकॉज ओनली जो है लिमिटेशन देता है ठीक है। पेन पेन पे ना हक किसका हक है, बुक्स का हक है। वैसे ही बनी क्या बोल रहा है, मेरे घर पे रहने का हक है ना अभी कोरोना के टाइम पे ठीक है। वैसे तो वो बहुत अच्छा इंसान है, दिलदार है, लेकिन कोरोना के टाइम पे वो बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन के वजह से मेरे घर पे सिर्फ मेरी फैमिली आ सकती है। समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कुछ समझा कि ऊपर से ज्यादा सब ठीक कुछ? है मैम, मेरा वो कॉल कट हो गया था, वापस बोलो ना। ये बनी ने घर पे क्या, बनी के घर पे केवल उसके मम्मी पापा ही आ सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। कोविड बराबर नाइनटीन मैम, का आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरे को सब पता है ऐसे तो, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गई समझ में आ रहा है, ओनली में क्या होता है रेस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स अगर मैं पॉसिबिलिटी में भी किसी को बिठाना चाहूँ तो ओनली मैं किसी को नहीं बिठा सकती। यानी कि गाइज ओनली पेन आर बुक्स, दैट मीन्स ओनली बुक्स आर पेन्स ठीक है। मतलब सिर्फ बुक जो है पेन के अंदर आएगा, पेन के अंदर कोई नहीं आएगा। इतना समझा गाइज? क्लियर है? किसी को डाउट है? नो मैम। वरुण? क्लियर मैम। ओके नाउ गाइज नेक्स्ट। ओके आई एम रबिंग विशाल्स बिग पैलेस एंड बनीस आंगन। आंगन। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट गाइज नेक्स्ट कम्स योर ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन्स। यस गाइज कैन यू ऑल टेल मी? इसमें वो डॉट वाला आएगा शायद। यस यू आर राइट, सो आई एम वेरी गुड। इसमें डॉट वाला आएगा गाइस, कैसे करना है, हमें बुक्स बनाना है ठीक है, उसके बाद पेन बनाना है। अब देखो गाइस ओनली अ फ्यू, मैंने बोला तुम लोगों को ओनली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, मतलब ये बोल रहा है कि सिर्फ सिर्फ कुछ किताब ये है पेन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे। बट ये ऐसा ड्रॉ करने में ना गाइस, ये तो स्टेटमेंट इसके जैसा हो गया, सम बुक्स आर पेन्स के जैसा हो गया, तो मुझे ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं छोटा सा चेंज करूंगी डायग्राम में। वो ये करूंगी कि आई जस्ट ड्रॉ दिस डॉट एंड ऐसा करके मैं ऐसा रॉन्ग करूंगी ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ओके नाउ गाइज आज के लेक्चर में ना मुझे ये जो ओनली अ फ्यू है ना मैम, ये इसके, डॉट वाला नहीं समझा। ठीक है मैं बताती हूँ। ओनली अ फ्यू बुक्स, ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन्स, दैट मीन्स ओनली को हटा दो कीर्ति, मन में ओनली को हटा दो। इसका मतलब क्या है? अ फ्यू बुक्स आर पेन्स मैंने बना दिया, फ्यू बुक्स क्या है, पेन्स बना दिया। अब ओनली अ फ्यू क्या मतलब है? सिर्फ कुछ बुक्स पेन्स है, यानी कि बाकी के जो बुक्स है ना वो पेन्स नहीं है। कीर्ति समझ में आ रहा है? जैसे
दूसरा कलर यूज किया तो ये देखो, ये जो सारा ब्लू वाला है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, और ये जो पर्पल कलर है ना वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इतना जो पर्पल कलर है ना ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है सबको? गाइस आई यू ऑल जो पर्पल अंडरस्टैंड? कलर है वो बुक्स है, वो पेन है हाँ, जो ना? पर्पल कलर है ना उस वो बुक्स पेन है, बट जो ब्लू कलर है वो बुक्स पेन नहीं है, नेगेटिव। दैट मीन्स ओनली में कुछ बुक्स पेन हो भी सकते, कुछ बुक्स पेन नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब मुझे कुछ पूछना है तुम लोगों को, ऑल बुक्स, ओके, आई एम राइटिंग द सेंटेंस गाइज, यू ऑल टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट। इफ आई एम सेइंग गाइज, ऑल बुक्स आर पेन, कैन यू ऑल टेल मी गाइज, ऐसा हो सकता है क्या? यस मैम, हो सकता मेरे गांव में है। किसी का कैन, कौन है बड़बड़ कर रहा पीछे? गाइस कैन यू म्यूट योर सेल्फ? ओके, या ऑल बुक्स आर पेन, गाइस कैसे सही, गलत गलत होता है ना ये, सही कैसे बोल रहे हो तुम लोग? जब मुझे पता है कि कुछ बुक्स पेन नहीं है, कुछ बुक्स का नेगेटिव साइड आ रहा है, तो सारा का सारा बुक मैं पेन में कैसे रख दूँ? नेगेटिव है ना, यस मैम, तो नहीं हो सकता ये। यस मैम, नहीं हो सकता है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं हो सकता, रॉन्ग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, मैम फिफ्थ इज योर तो न्यू, सेकंड वाले में तो दिया है आपने, ऑल बुक्स आर पेन करके। नहीं, ये वाला जो है ना, दिस क्वेश्चन वाज ओनली फॉर योर फोर्थ वन, मतलब इसके लिए था। फोर्थ वन ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो बुक्स आर पेन, कैन यू ऑल टेल मी हाउ टू ड्रॉ दिस नो बुक्स आर पेन? हाउ शुड आई ड्रॉ? अलग 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 बीच परफेक्ट, आई थिंक ये सबको आता है। ये बी ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं बोलूँ गाइज सम बुक्स सम पेन आर नॉट बुक्स, मुझे बताओ ये सही हो सकता है या गलत? सम बुक्स आर नॉट पेन, मैम सही हो सकता है क्योंकि सही है, सम दिया है। वेरी गुड, सही है, सही फॉलो करेगा। नो पेन आर बुक, मैम नो पेन आर बुक फॉलो करेगा, वो भी फॉलो करेगा, फॉलो। सही बात है ना, अगर मैं बोलूं विशाल सोहम को लाइक नहीं करता है, इसका मतलब ये भी है सोहम विशाल को नहीं लाइक करता है, राइट? है ना, राइट या रॉन्ग? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की? आ रही आवाज गाइस मेरी? तो फिर कैसा होगा? डर आई एम नॉट एबल टू हियर यू सोहम, व्हाट आर यू सेइंग? तो डायग्राम कैसे हो? गाइज आई थिंक देर वॉज स्लाइट नेटवर्क इशू, कैन यू ऑल रिपीट? सो हम यू वर सेइंग समथिंग, कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गाइज? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, ओके, सो हम यू आर यस मैम, सेइंग यस मैम, समथिंग। यस मैम, आई वाज सेइंग इफ द स्टेटमेंट इज लाइक नो बुक्स आर पेन बट सम पेन आर बुक्स, तो ये इज इट अ प्रॉपर स्टेटमेंट लाइक एग्जाम के तरीके से? नो मैम, नो 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 ना? नहीं, गलत होगा फिर ये स्टेटमेंट, ओके नहीं, गलत होगा। ओके, सो गाइज आई वॉज आस्किंग यू ऑल दैट इफ आई से दैट नो पेन आर बुक, माई आंसर वुड बी वॉट? फॉलो करेगा या डज नॉट फॉलो? फॉर्मल मैम, वापस रिपीट करो ना। नो पेन आर बुक, नो पेन आर बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है बनी, फॉर्मल कोई भी पेन बुक नहीं है,
मैम अगर सेंटेंस ट्रू रहेगा तो मतलब फॉलो करता है ना. हाँ यही है गाइस, ट्रू रहा ना सेंटेंस तो फॉलो करेगा, फॉल्स रहा तो डज नॉट फॉलो. तो ये फॉलो जो आपने सेंटेंस बोला तो फॉलो ही करेगा ना. हाँ वो फॉलो करेगा. गुड ओके गाइस, समझ में आ रहा है सबको कि क्या इशू हो रहा है इसका आज? एक मिनट, हाँ ऑलरेडी टाइम बहुत चला गया अपना. आई होप गाइस दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ऑल हो गया, सम हो गया. ओके अब गाइज नेक्स्ट है सम बुक्स आर नॉट पेन. पृथ्वी कैन यू टेल मी हाउ टू ड्रॉ सम बुक्स आर नॉट पेन? ओके इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ गाइज सम बुक्स आर नॉट पेन, मैं कैसे बनाऊंगी सम बुक्स आर नॉट पेन? यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि ये बुक्स है गाइज, बुक्स का कुछ इतना सा पार्ट है ना, और क्या नहीं है, पेन नहीं है. ठीक है, समझ में आया सबको? आरोही समझ में आ रहा है? यस मैम. कहाँ गई आरोही? यस मैम समझ में आ रहा है. हाँ मैम, यहाँ पे थाने में बहुत बारिश हो रही है तो इसलिए मैंने अपने आप को म्यूट किया है क्योंकि वो आवाज जा रहा है. अच्छा बारिश हो रही है? अरे जी मैम. ठीक है, बहुत दुख हुआ ये सुन के हमको. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके समझ में आया गाइस, सम बुक्स आर नॉट पेन्स मतलब बुक्स का कुछ पार्ट है ना, पेन नहीं है. ठीक है, अब गाइस अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग. ये तो हमने लास्ट लेक्चर का मैंने कवर करवाया. आई वांट एवरीवन टू अटेंड माय लेक्चर गाइस, प्लीज डू नॉट अच्छा ऐसा हो गया तो आपका लेक्चर गया ना हम लोग का. अभी ये लेक्चर आप कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर डेट तो पीछे वाला हम लोग उलझेगा ही नहीं ना. वही तो हम लोग को मैम को बोल रहे हैं, पर मैम बोल रहे हैं बैंकिंग वालों का अलग है, एसएससी वालों का अलग, क्या करें. एक काम करती हूँ, मैं बात करती हूँ सर से, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को. ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा सब ठीक. हाँ मैम, क्योंकि ना बहुत ज्यादा तो गैप पड़ जाएगी, मिस हो जाएंगे लेक्चर्स. ओके नाउ गाइस आई थिंक दिस, हाँ बोलो क्या बोलना है सबको, जल्दी 10 सेकंड है तुम लोग, जल्दी बोलो. मैम आपने जो वो 6th वाला बनाया ना सम बुक्स आर पेन, और वो जो 4th में आपने बनाया ओनली फ्यू बुक्स आर पेन, तो वो सेम ही आएगा ना मैम, क्योंकि सम उसमें भी कंडीशन आते हैं ना. सेम नहीं आएगा सुप्रिया, डिफरेंस इज ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन में क्या बोल रहा है ना वो, कि ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन, दैट मीन्स कुछ बुक्स पेन है भी और कुछ बुक्स पेन नहीं भी है. लेकिन यहाँ पे सम बुक्स आर नॉट पेन मतलब कुछ बुक्स पेन है ऐसा बोल ही नहीं रहा ना वो. मैं अगर ऐसा बोलूँ सम बुक्स आर पेन ऐसा दिया ही नहीं ना, यहाँ पे क्या दिया है, सम बुक्स आर नॉट पेन दिया, राइट? तो ये सेम नहीं होता है, अलग होता है सुप्रिया. समझ में आ रहा है? मैं उसकी कुछ और भी आ सकता है कि सम बुक्स आर नॉट पेन, तो सम बुक्स और कुछ आ सकता है उसके साथ. अच्छा पॉसिबिलिटी करते हैं हम लोग इसका. सपोज गाइस आई एम टेलिंग यू ऑल, सपोज दैट आई एम टेलिंग दैट सम बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी. सम बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, मुझे बताओ. विशाल बताएगा इसका आंसर. विशाल क्या लगता है, सम बुक्स आर पेन जाएगा? कौन सा डायग्राम देखना है? 5th नंबर, 6th वाला ना, 6th वाला देखना है. मैं रेड मार्क कर देती हूं तुम लोग, यहां पे ना बहुत खिचड़ी हो गया. नहीं ये देखो, ये वाला देखना है, 6th वाला देखना है, ये वाला. इफ आई एम सेइंग सम बुक्स आर पेन पॉसिबिलिटी, बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है क्या ऐसा दैट कुछ बुक्स? नहीं मैम, इसमें कनेक्शन नहीं है. डॉट क्रॉस है, इसका मतलब क्या है? मतलब बुक्स नहीं है ना कुछ भी पेन. इसका मतलब ये है कि कीर्ति, इसका मतलब ये है कि बुक्स का कुछ इतना पार्ट, जैसे क्या दिखाऊं मैं तुम लोगों को, मास्क मेरा या फोन क्या दिखाऊं? चलो जान कुछ नहीं, यही हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं. बुक है ना, बुक का कुछ पार्ट, कुछ पार्ट पेन नहीं है बुक का. हाँ तो वो फॉलो कर रहा है ना, सम बुक्स आर पेन ना. अच्छा रुको तुम लोगों को बताती हूँ मैं कुछ कैसे. यहाँ पे आइदर का प्रयोग हुआ है, यानी जैसे ज्यादा चॉकलेट खा सकते. अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पेपर है राइट. मैंने बोला पेपर का कुछ पार्ट व्हाइट नहीं है, पेपर का कुछ पार्ट व्हाइट नहीं है. क्यों? क्योंकि पेपर का कुछ पार्ट क्या है, ब्लू है. खत्म, यही बोल रहा है वो कि बी का कुछ पार्ट पी नहीं है, यानी कि इतना पार्ट.
बट अगर मैं वही वाला सेंटेंस पॉसिबिलिटी में लू गाइस, अगर मैं बोलूँ कि सम बी आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, आई वुड बी लाइक क्या आप मतलब नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी में भी हमें डाउट आ रहा है, तो ये क्या करेगा, डज नॉट फॉलो आएगा आंसर. ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, विशाल समझ में आ रहा है? हाँ, डज नॉट फॉलो. ओके, नाउ गाइज आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइज. नाउ लास्ट टाइम गाइज आई टोल्ड यूर समथिंग दैट वॉज योर ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू. ठीक है, आई एम सेइंग दैट क्या बोलू मैं, बोलू क्या बोलू, बोलिए मैम, सोच क्यों रही है? अच्छा, मैंने बोला आरोही का नाम है ना, आरोही है. ओके, आरोही का नाम आरोही है. मुझे बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट है या डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है? डेफिनेटली ट्रू. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला आरोही का नाम आरोही नहीं है, आरोही का नाम सोहम, ऐसा हो सकता है क्या? पहले तो सोहम गुस्सा करेगा है ना, सकता है. हाँ, लेकिन जो जो डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या बोल क्या क्या है गाइस, एकदम पक्का से सही है. ठीक है, पक्का से सही है. मैंने अगर बोला कि विशाल मन का सच्चा है, मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या डेफिनेटली ट्रू हो सकता है, बताओ? ट्रू हो सकता है. विशाल क्या है आंसर? नहीं मैम, डेफिनेटली ट्रू. नहीं, ये वाला हो सकता है ट्रू, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ट्रू है, ट्रू ही है. क्योंकि डेफिनेटली ट्रू उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ना, जब तक हम उस बंदे को परखेंगे नहीं ना, नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा. राइट, वैसा समझ में आ रहा है? नाउ गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने लोगों को कुछ बताई थी, दो कॉलम बनाया था गाइस. ट्रू अगर है, ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी आएगा तो फॉलो करेगा या नहीं करेगा? फॉलो करेगा. ठीक है, दोज वाला न्यू गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबिलिटी? सपोज गाइज ये पेन है, पेन है नहीं, सपोज मेरा फोन ले लेते, मेरा फोन गाइज ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, इसके साथ कुछ भी ना हो, आई प्रे टू गॉड. ये फोन है गाइज, मैं ना ऐसे रास्ते में ऐसे चल रही हूँ अभी, ऐसे फोन पे ऐसे बात करते या ऐसे पढ़ते या गाने सुन के. सो ऐसे फोन है ना, ऐसे गलती से ना किसी ने मेरे को धक्का लग गया या मैं ऐसे ऐसे हो गई, तो गाइज ये फोन क्या हो गया बेचारा, वो फोन गिर गया, ऐसे समझो कि गिर गया. तो गाइज क्या क्या पॉसिबिलिटी निकलेंगे? तो फोन गिर भी जाएगा शायद, आप जगल करके पकड़ भी लेंगे. हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है. प्लीज गाइज डोंट नॉट से नेगेटिव, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट नो वन इज गोइंग टू से नेगेटिव. ओके, समझ गई मैं क्या बोलना चाहते हो. तो पॉसिबिलिटी ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि फोन को कुछ हो जाए, फोन की डेथ हो जाए, है ना? हाँ, समझ में आ रहा है गाइस पॉसिबिलिटी क्या होता है. अगर ट्रू के साथ मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ा तो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बताओ मेरे को? फॉलो करेगा. आर यू श्योर? यस मैम. ओके, ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ा तो गाइस फॉलो करेगा, डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ा तो डज नॉट फॉलो. ठीक है, डज नॉट फॉलो. नेक्स्ट वॉज योर, अगर फॉल्स के साथ अगर मैं पॉसिबिलिटी जोड़ती हूँ तो क्या होगा, और डेफिनेटली फॉल्स के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ती हूँ तो क्या होगा, बताओ मुझे? फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा. यस, फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ेंगे तो फॉलो करेगा क्या? यस और डेफिनेटली. बट क्या बताया था तुम लोगों को लास्ट टाइम, फॉल्स के साथ अगर मैं पॉसिबिलिटी जोड़ती हूँ तो फॉलो करेगा या नहीं करेगा? फॉलो करेगा. ओके, नेक्स्ट. सो गाइस, इज दिस स्टेटमेंट, इज दिस थिंग्स क्लियर? ओके, नाउ गाइस ये जो अभी तक था, ये तो था ऐसे बोलते हैं ना कि रात का हमने बासी खा लिया खाना, अब ये जो है अभी नया हम खाने जा रहे हैं, नया खाना खाने जा रहे हैं. अरोही गाना नहीं बजाना लेक्चर में. मैम सॉरी मैम, वो कॉल आ गया. कोई बात नहीं. ओके गाइस, अभी हम लोग कुछ नया स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं, दैट इज योर आइदर और. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ आई एम टेलिंग यू ऑल कि एक काम करते हैं हम लोग, या तो हम पानी पूरी खाएंगे या तो हम रगड़ा पेटिस खाएंगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे मुझे? पानी. हाँ बोलो सोहम, क्या खाओगे? दोनों सही. पता था मुझे दोनों. नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम इतने भुक्कड़ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम या तो रगड़ा पेटिस खाएंगे या तो पानी पूरी. आइदर और का मतलब होता है गाइस या तो पानी पूरी या तो रगड़ा पेटिस. समझ में आ रहा है सबको? इतना पानी पूरी या रगड़ा पेटिस नहीं समझना है, आइदर और समझना है. ठीक है,
ओके नाउ गाइज आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द आइदर और केसेस. ठीक है, अगर ये वाला जो है ना गाइज, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये गाइज, कैसा होता है ना कि डू यू ऑल नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ट्रिक्स होते हैं, प्लस माइनस आया या माइनस माइनस दो बार आया तो सी एन डी आएगा आंसर, प्लस माइनस दो बार आया तो सी एन डी आएगा, है ना, ऐसे कुछ होते हैं. सेम वे ये है कि आइदर और के कुछ रूल्स है, अगर तुम लोगों ने इसको याद कर लिया ना, इसे समझ ली, याद नहीं करना है तो तुम लोग डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो. ठीक है, मैं कुछ स्टेटमेंट देती हूँ, मुझे आंसर बताओ. ठीक है, नाउ गाइज इफ आई एम टेलिंग यू ऑल स्टेटमेंट लाइक सम बॉयज आर अलाइक, ओके, नो अलाइक आर बॉयज. ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दिस आर योर कंक्लूजन, ओके, एंड योर क्वेश्चन गाइज, स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, दैट सम बॉयज आर अलाइक, ओके, एंड सम अलाइक सम बॉयज आर ये क्या बोलते हैं मेन, ओके, एंड यहाँ पर लिख रही हूँ कि सम मेन आर अलाइक. ओके गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर. आंसर क्या आएगा मैम, वापस से लिखो ना, वो सब जप्पल हो गया पूरा. एक मिनट, मुझे पता ही था, एकदम अनटाइडी लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत. हाँ बनी, ओके, सम बॉयज आर मेन, ओके, सम मेन आर अलाइक. आई होप दिस इज क्लियर गाइज, इज इट, आई होप यू ऑल. सम मेन आर क्या मैम? सम मेन आर अलाइक, अलाइक अलाइक सेम सेम दिखते. अलाइक मतलब था? अलाइक मतलब सेम दिखते. For those who are not understanding my good handwriting, I would like to repeat it, tell it guys. Some boys are men. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है सम मेन आर अलाइक, कंक्लूजन दिया हुआ है सम बॉयज आर अलाइक एंड नो अलाइक आर बॉयज. आंसर बताओ मेरे को इसका जल्दी. सम बॉयज आर अलाइक, ये नहीं बताना है मैम. बोथ बोथ आर मींस क्या बोलते हैं उसको, मतलब यही आइदर और का केस है ना इसका. ऑप्शंस में लिख दिया, दोनों फॉलो, दोनों फॉलो नहीं कर रहे. ओनली ये ए है, नहीं करेगा फॉलो. ओके, ओनली नाइदर वन फॉलोस मैम. पहला वाला फॉलो होगा. हाँ पहला वाला होना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो पहला वाला फॉलो होगा. हाँ मैम पॉसिबिलिटी के साथ फॉलो हो रहा है फर्स्ट वन. मैम ने ऑलरेडी कंक्लूजन दिया है, पॉसिबिलिटी का है नहीं. हाँ अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फॉलो नहीं होगा. आइदर और आएगा यहाँ पे. हु इज सेइंग आइदर और? मैम मैं सी ऑप्शन आएगा, आइदर और. ओके गाइज आई अंडरस्टूड योर आंसर्स गाइज. ओके फर्स्ट गाइज ये देख लो स्टेटमेंट, आई होप गाइज तुम लोगों को दिख रहा है. अगेन सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. ओके नाउ गाइज सी हियर ऑन द स्क्रीन गाइज, इन योर एग्जाम तुम लोगों को ऐसा दिया होगा, मुझे ये बताना है फॉलो करेगा या नहीं करेगा, एग्जाम में क्या करना है, टिक करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर मैं होती एग्जाम में तो मैंने क्या किया होता, मैंने इसे सॉल्व ही नहीं किया होता. ठीक है, क्यों नहीं किया होता मैं बताती, बिकॉज यहाँ पे बॉयज दिख रहा है गाइज सबको. बॉयज कहाँ देखना है, देखो यहाँ पे बॉयज कहाँ देखना है, मतलब स्टेटमेंट में जो बॉयज है वो कहाँ देखना है. सी इन योर कंक्लूजन, ओके, बिफोर टेलिंग यू ऑल द शॉर्टकट गाइज, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. गर्ल्स सब लोग इतने शांत क्यों है? सम बॉयज क्या है? मैन है. सम मैन क्या है? लाइक है. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये मेरा डायग्राम है, मतलब ये बोल रहा है कि कुछ बॉयज क्या है अलाइक है और कुछ अलाइक क्या है बॉयज नहीं है. नो अलाइक आर बॉयज ऐसा बोल रहा है. ठीक है गाइज, दोनों भी दूर है, दोनों भी दूर है, यानी कि सिंगल सिंगल देखा जाए तो. एम आई ऑडिबल टू एवरी वन गाइज? यस मैम, यस मैम, यस मैम. दोनों दूर है, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि जब
दो लोग दूर होते हैं तो उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, राइट? कोई रिलेशन नहीं हो सकता. तो बी और ए क्या है, दूर है तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, नो रिलेशन एग्जिस्ट. देन इस केस में गाइस इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सम बॉयज आर अलाइक, दूर है, राइट? सो कुछ नहीं हो सकता. मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला क्या होगा गाइज, फर्स्ट वाला होगा डज नॉट फॉलो. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, डज नॉट फॉलो इसको. हाँ ओके, फर्स्ट वन वुड बी डज नॉट फॉलो गाइज. सेकेंड इज नो अलाइक आर बॉयज. अलाइक किधर है, बॉयज किधर है, दोनों दूर है. सम का, नो का मुझे कुछ भी नहीं पता, यानी कि बी भी क्या करेगा, बी भी डज नॉट फॉलो होगा, बोथ डज नॉट फॉलो. नाउ गाइज अगर ध्यान, अगर घाई घाई में तुम लोग ये मैम, मार्क्स, हाँ अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऑप्शन फोर आएगा ना, नहीं, और अगर इसमें पॉसिबिलिटी का केस एग्जिस्ट ही नहीं होता है बनी, इसमें नहीं, क्या अगर मैं वही बोल रहा था, पॉसिबिलिटी नहीं है एकदम, मतलब अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ए ऑप्शन आंसर नाइदर ए और बी आएगा ना, मींस दोनों फॉल्स है ना. वैसे तो दोनों फॉल्स है, लेकिन ना मैं क्या बोल रही हूँ, आगे सुन लो बनी, सुनो. वैसे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए नीदर ए नॉर बी, बट गाइस देर इज अ केस कॉल्ड, आई थिंक विशाल वॉज टेलिंग दैट द के आंसर शुड बी आइदर ए और बी. गाइस इस केस में ना आंसर क्या आएगा, आइदर ए और बी. अब सवाल ये उठता है, मैम आइदर ए और बी आंसर कैसे आएगा, राइट? ओके, इसका कुछ ट्रिक है गाइस, ध्यान से सुनो क्या है. मैं हाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे ना. यस सुमित, वेरी गुड, यू आर राइट. सो आंसर इज, देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बॉयज दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बॉयज दिख रहा है, यानी कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइगनली. डाइगनली क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, दिख रहा है सबको सेम. आई वॉन्ट एवरी वन टू अनम्यूट योर सेल्फ, बट इतना अनम्यूट करने से पहले ना पीछे का बैकग्राउंड गाना वाना बंद कर लो यार, ठीक है? हाँ तो अब मैं तुम लोगों को कुछ केसेस बताऊंगी एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू रिपीट इट गाइज. मतलब मैं तुम लोगों को रट्टा मरवा रही हूँ, जो तुम लोगों को समझना समझो, बट तुम लोगों को रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है? आइदर और के गाइज दुनिया में तीन केसेस होते हैं. कितना केसेस होते हैं, तीन तीन केसेस. तीन होते हैं या चार होते हैं, पक्का से मेरे को जोर से बोल दो तुम लोग, कितने केसेस होते हैं? तीन, वन टू थ्री. तो आइदर और की दुनिया में तीन केसेस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है? एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट इट इन योर बुक्स गाइज. आइदर और के तीन कंडीशन है, क्या क्या है? फर्स्ट इज सम एंड सम नॉट, ठीक है? सम एंड सम नॉट, सम एंड नो, ठीक है? सम एंड नो, एंड थर्ड इज ऑल एंड सम नॉट, ठीक है? क्या क्या है? आई वॉन्ट एवरी वन टू रिपीट इट विथ मी गाइज, ठीक है? अभी क्लास में रिपीट करोगे तब भी याद होगा, अकेले में याद नहीं होता है ये, ठीक है? वन टू थ्री स्टार्ट. सम एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट. हो गया, मैं क्या बोली तुम लोगों को, मेरे पीछे बोल रहे, मैं अपना आगे चले गए तुम लोग एकदम एक एक करके बोल रहे, सेकंड इतना ऑप्शन भी क्या नहीं है, अपने सम पास. एंड ओके लिसन, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, सो हम सम एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट, सम एंड नो, सम एंड नो, ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट. वापस से बोलो मेरे साथ, ठीक है? सम एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट, सम एंड नो, Some and no, all and some not, all and not. Okay, guys, once again, everyone together with me. Now, everyone will say together with me. Okay, guys, start. One, two, three, start. Some and some not. Some and some not. Some and some not. Some and no. Some and no. All and some not. All and some not. बताओ क्या क्या केसेस थे? Some and some not. Some not. ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल इंडिविजुअली. सम एंड सम नॉट, रेडी गाइस? प्राजक्ता इज गोइंग टू टेल मी द थ्री केसेस ऑफ आइदर और. प्राजक्ता, सम अ सम नॉट, सम अ नो, एंड ऑल अ सम नॉट. वेरी गुड. ओके नाउ गाइस एवरीवन, लास्ट बार आखिरी बार रिपीट कर दो, फिर तुम लोगों को याद हो गया. वन टू थ्री स्टार्ट. Some and some not, some and some not, all and some not.
वेरी गुड गाइस, सम एंड सम नॉट, सम एंड नो, ऑल एंड सम नॉट, ये सारे तीनों केसेस है एग्जाम में कभी भी आते हैं। हमें आंसर डायरेक्टली क्या मार्क करना है, क्या मार्क करना है विशाल, आंसर आइदर और, ठीक है। नाउ गाइज, तुम लोगों ने कंडीशन सीख लिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, फाइन, बट नाउ वॉट इज दिस, हाउ डू वी आइडेंटिफाई, वापस नेटवर्क चला गया, 1 2 3 स्टार्ट, नाउ गाइज हाउ टू आइडेंटिफाई, ये पता कैसे चलेगा हमें, है ना। Now look at the statement given over here. Some boys are alike वाले statement को देखो, no alike are boys, okay? मुझे क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है सबको, सम दिख रहा है यहाँ पे, S O M E, सम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, yes ma'am, ठीक है, सम दिख रहा है, नो दिख रहा है, मेरे को पहले लाइन में क्या दिखना चाहिए, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या दिखना चाहिए, सम दिखना चाहिए, सेकंड वाला सेंटेंस में क्या दिखना चाहिए, नो दिखना चाहिए, यानी कि ये सेकंड वाला जो है ना सम एंड नो वो बोल रहा है। अगर सम एंड सम नॉट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे सम दिखना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में मुझे क्या दिखना चाहिए, सम दिखना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे नॉट, फॉर एग्जाम्पल सम अलाइक आर नॉट बॉयज, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे ऑल दिखना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में सम एंड नॉट दिखना चाहिए, तब मेरा आंसर क्या आएगा, आइदर और, इज इट क्लियर गाइज। नाउ एक कंडीशन है, यस मैम, कंडीशन ये है कि या तो पैरेलल में सेम रहेगा, सॉरी या तो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं डायगनल, इसको क्या बोलते हैं डायगनल, ठीक है, आइदर द कैरेक्टर यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो भी बोल रहे थे तुम लोग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो ऐसा सेम रहेगा या तो ऐसा सेम रहेगा। ऐसा का मतलब क्या है, अगर मेरे को ऐसा भी हो सकता है कि सम बॉयज आर अलाइक एक स्टेटमेंट है, सेकेंड क्या है नो बॉयज आर अलाइक, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, टर्म्स शुड बी सेम, वेरी गुड विशाल, क्लियर एवरी वन, दिस आर योर आइदर और केसेस, ओके। नाउ कंक्लूजन होते हैं क्या वैभव, कंक्लूजन तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, हमें बस देखना है क्या फॉलो करता है या नहीं करता है, लेकिन आइदर और में कंक्लूजन हमेशा दो ही होते हैं, एक पहला स्टेटमेंट सम हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट सम एंड नॉट हो सकता है, ठीक है। गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट दिस डाउन, मेक अ नोट ऑफ दिस एंड टिल दैट टाइम गाइज, फॉर टाइम बींग आई एम गोइंग टू सेंड दिस इन द ग्रुप एज वेल, ओके, यू ऑल कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट, so guys this were the cases of your sum and sum not, now let's proceed further and guys now we are going to do questions directly, ठीक है, questions करते करते मैं तुम लोगों को समझा दूंगी क्या cases है क्या नहीं, ready for the questions guys, yes ma'am, I'm ready, ध्यान से दिल थाम के बैठी है, क्या बोलते हैं ma'am, recording हो रहा है, बिगड़ने वाला है, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो विशाल, मैम लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ 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 हो रहा है, हो रहा है, थैंक यू सो मच विशाल फॉर द रिमाइंडर यू आर गिविंग मी, ओके, मैंने नहीं बोला मैम, अच्छा किसने बोला, मैम शर्मा रहे हैं, तो हाँ एकदम ऐसे फॉर्म में, ओके, नाउ गाइस हियर आर सम क्वेश्चंस, आई वांट यू ऑल टू सॉल्व इट, एंड सिलोगिज्म का क्वेश्चन को कितना सेकंड लेना चाहिए, मिनट बोला ना किसी ने तो मार खाओगे तुम लोग, मिनट नहीं लेना है हमें, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, चलो जल्दी निकालो आंसर, 10 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में चला गया, 30 सेकंड ले लो, चलो कंफ्यूजन हो सकता है गाइस, मैं क्या करती हूँ ना टी लेती हूँ और एस लेती हूँ लास्ट वाला, लेकिन यहाँ पे भी सेम है, तो एक काम करते हैं चुपचाप से टी ए लेते और टी आर ले लेते, ठीक है, सो बेसिकली ऑल कोड्स आर टेबल्स, ओके, नेक्स्ट इज ऑल टेबल्स आर वॉट ट्रेन्स, ओके, नेक्स्ट ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ओके, नाउ ऑल टेबल्स आर बसेस गाइज, पहला ऑल टेबल्स आर बसेस, बसेस के अंदर क्या आ रहा है, टेबल फॉलो करता है, नेक्स्ट ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स, ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स, ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, करेक्ट है,
मैम कैसे कैसे समझाने मेरे को ये? देखो वापस ऑल कोर्ट्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर ट्रेन, ऑल ट्रेन आर बसेस. इतना समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तुम लोगों का, ठीक है? ये क्वेश्चन है. कंफ्यूजन से इज दैट ऑल टेबल्स आर बसेस. मेरा टेबल इधर है, बसेस इधर है, यानी कि बसेस के अंदर क्या आ रहा है? टेबल आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स. ट्रेन यहाँ पे है, टेबल्स यहाँ पे है. अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स, देन माई आंसर वुड बी फॉलोज. बट ऑल ट्रेन्स टेबल्स नहीं है ना. अगर पॉसिबिलिटी होता तो हम बोल सकते ट्रेन्स के अंदर टेबल्स आ रहा है करके क्या? इसलिए क्या आएगा आंसर? ओनली वन फॉलोज. यस गर्ल्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस मैम. वेरी गुड, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू. ओनली वन फॉलो. चलो आंसर, चलो नेक्स्ट. None of them follow, I guess. मैम सेकेंड वाला फॉलो होगा और फर्स्ट वाला अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो नहीं फॉलो होगा. सेकेंड फॉलो. सेकेंड फॉलो. ओके सी हियर, सम मोबाइल आर कंप्यूटर्स. ऑल राइट, सम कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स. ओके, सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स, सम कैलकुलेटर्स आर फोन्स. ऑल राइट, नाउ सम फोन्स आर कंप्यूटर्स. गाइज दूर का रिश्ता है, मैंने बोला था तुम लोगों को दूर है तो कुछ नहीं हो सकता, डज नॉट फॉलो. सेकेंड, सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल्स, तो हो सकता है ना भाई, सम कंप्यूटर्स आर ओनली टू फॉलोज. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, इजी है ना मैम? पॉसिबिलिटी का भी यूज करना. पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में ना दिया होता है, कंक्लूजन में है तो हमने नहीं यूज करना है. क्वेश्चन में कंक्लूजन में है तो हाँ, जैसे या विशल यू आर राइट, सो इट कैन बी गिवन दैट सम फोन्स आर कंप्यूटर्स इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर ऐसा बोलेगा सम फोन्स कैन बी कंप्यूटर्स. इसके क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? ऐसा कोई है पृथ्वी वगैरह कोई है जिसके ऊपर से जा रहा है? अच्छा ब्रिजेश. ओके नेक्स्ट. बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी करो फटाफट एकदम स्पीड में. मैम डज नॉट फॉलो बोथ. डज नॉट फॉलो. नाइदर ए नाइदर बी, नाइदर वन नाइदर टू. ओके नाउ ऑल स्पून्स आर बाउल्स, ठीक है? सम बाउल्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स. ऑलराइट, सम ग्लासेस आर स्पून, सम ग्लासेस आर स्पून, सम ग्लासेस आर स्पून. गाइस रिश्ता क्या है? दूर है ना? दूर है. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सेकेंड, सम प्लेट्स आर बाउल्स, सम प्लेट्स आर बाउल्स. दूर है. नीदर यू ऑल आर राइट गाइज, आंसर इज डी, यानी कि नीदर वन नॉट टू. ओके आगे बढ़े गर्ल्स बॉयज एवरीवन. दिव्या अंडरस्टूड? यस यस. ओके नेक्स्ट. ये इजी इजी क्वेश्चंस नहीं लेंगे गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को इजी इजी आने लग गया है. अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा हार्ड की तरफ, ये भी इजी है. हाँ ये चलो ये करो, सिक्स वाला करो जल्दी.
नीदर फॉलो जाएगा मैं फर्स्ट फॉलो नीदर फॉलोज ओके सी यू गाइस सम डेस्क क्या है टेंस है सम टेंस क्या है रिवर्स है ऑल रिवर्स क्या है पॉन्ड्स है सम पॉन्ड्स आर टेंस सम पॉन्ड्स आर ओनली मैन सिर्फ पहला वाला फॉलो होगा और सेकंड वाला फॉलो नहीं होगा यस वेरी गुड बनी ओके सम पॉन्ड्स आर टेंस गाइस कैन यू ऑल सी यहां पे कॉमन पोर्शन आ रहा है ना पी और टी का है ना देख रहे हो तुम लोग सब लोग यहां पे देखो ओके यहाँ पे कॉमन पोर्शन आ रहा है इसलिए सम पॉन्ड्स आर टेंस राइट हो गया सेकंड क्या बोल रहा है सम पॉन्ड्स आर डेस्क पॉन्ड्स और डेस्क दोनों क्या है दूर है मेरे को फॉलो नहीं करेगा आंसर क्या आएगा ओनली वन फॉलोज दैट मींस ए इज माय आंसर ओके क्लियर एवरीवन क्लियर गाइस यस मैम अच्छा मेरा आवाज सुन लो मुझे लेट आता है क्या नहीं मैम थोड़ा थोड़ा आ जाता जल्दी जल्दी अच्छा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टेक सम मोर डिफिकल्ट एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन तुम लोगों को लेती हूँ मैं इसमें ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है उसमें You all have this PDF, guys? No, ma'am. I did not send last lecture. Last lecture में भेजा नहीं क्या? Yes, ma'am. Yes. भेजा. Okay, those who are not there in my group, guys, please join my group. Okay. I am sharing the link in the comment section. अरे link कहाँ गया? गया वो link. Join कर लेना, guys, group में, ठीक है? Okay, solve this guys, solve this question. Answer batao jaldi. Either or. Very good. किसने बोला either or? दिव्या. Very good दिव्या. Okay. जो लोग यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं मैंने तुम लोगों को बोला है यार क्यों इतना मेहनत करते हो सम सैटेलाइट स्टार्स दिख रहे हैं सम एंड नो गाइस आइदर और के तीन कंडीशन थे दुनिया में सिर्फ तीन कंडीशन होते क्या क्या होते हैं सम एंड नो सम एंड सम नॉट ऑल एंड सम नॉट दिख रहा है तो क्या जरूरत है सॉल्व करने का लेकिन गाइस जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है फिर भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या पता अपना किस्मत अपना साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है ना चेक करना तो जरूरी है ना है कि नहीं सो अब यस ऑल स्टार्स आर सन्स ऑल राइट ऑल सम सन्स आर प्लैनेट्स ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स ओके सैटेलाइट्स या सो सम ऑप्शन डी आएगा ना Neither A and neither B. Okay. Neither आएगा आंसर ओके सम सैटेलाइट आर स्टार्स गाइस दूर है ना दोनों दूर है इंडिविजुअली देखा जाए तो ये फॉलो नहीं करना चाहिए मैंने बोला तुम लोगों को अगला क्या है नो स्टार इज सैटेलाइट वापस से ये दोनों क्या है दूर है तो मुझे पता नहीं है जब भी इंडिविजुअली अगर दोनों गलत आता है तो मेरा आंसर क्या आएगा आइदर और कैसे होगा आइदर और बिकॉज सैटेलाइट सैटेलाइट है स्टार क्या है स्टार है समझ में आ रहा है ऐसे क्रॉस में क्या है सेम है ना सैटेलाइट ओके सैटेलाइट देन स्टार्स एंड स्टार्स क्लियर एवरीवन यस अस्मिता क्लियर यस मैम इसमें अगर आइदर आया तो फिर नीदर किस में आएगा नीदर किस में आएगा देखते हैं अभी अगर हाँ सो हम नीदर कब आता था अगर सपोज ऐसे हमें कुछ नॉट वगैरह का कंडीशन दिया होता या फिर सपोज इंडिविजुअली अगर दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है
ठीक है, दोनों में से अगर इंडिविजुअली कोई एक फॉलो कर रहा है, जैसे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है नो स्टार्स आर सैटेलाइट, ठीक है, नो स्टार आर सैटेलाइट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है एंड कंक्लूजन में भी सेम दिया गया है, तो वो मेरा फॉलो करता है. अगर दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है गाइस, आंसर मेरा क्या आएगा, आइदर और, आइदर और नहीं आएगा, आंसर मेरा आएगा जो भी आएगा, टू फॉलो आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया गाइस तुम लोगों को? हाँ मैम. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आई शुड सेंड द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप्स फॉर यू ऑल फॉर योर रेफरेंसेस. दिस यू ऑल शुड मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग गाइस, ज्यादा बेटर रहता है. मैम वो डायग्राम दिखा दो ना आंसर वाला. एक मिनट. हाँ थैंक यू मैम. वेलकम सोहम. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. अच्छा सोहम, आप बोल रहे थे नीदर वन नॉट टू फॉलोज आ रहे बोल रहे थे. हाँ मैम, मैं वही बोल रहा था. तो आपने फिर लेकिन अभी... लेकिन सोहम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आंसर सी बोल रहा है वो. देखो यहाँ पे सी बोल रहा है ये. यहाँ पे देखो दिया है सी, दिख रहा है सी? हाँ. सी दिया है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नीदर, यानी कि ये गलत है. अपना आंसर सही है, समझ में आ रहा है, सी आएगा आंसर. ठीक है, क्यू सी आएगा. सम दिया है, मैम आंसर इसमें तो नाइदर बोला, उधर तो आइदर बोला है. आएगा ना मैम, इधर कैसे आएगा, नाइदर फॉलो जाएगा. कैसे नाइदर आएगा, आंसर इसका इधर और है. मैं तुम लोगों को क्या बोला है, कंडीशन क्या है आइदर और का, आइदर और का कंडीशन ये है सम आना चाहिए, नो आना चाहिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सेम आना चाहिए. आ रहा है ना सेम? हाँ सेम आ रहा है. राइट गाइज, डू नॉट सी द आंसर. कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर गलत होता है, ठीक है ना. वो लोग जो आंसर बना रहे वो भी इंसान है ना. तो सम एंड नो दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है सम एंड नो गाइस तुम लोगों को. सैटेलाइट सैटेलाइट सेम दिख रहा है, स्टार स्टार सेम दिख रहा है, तो फिर आंसर क्या आएगा, नीदर, सॉरी नीदर और बोल रही हूँ, आइदर और आएगा आंसर. ठीक है, आइदर और. हाँ क्लियर एवरीवन? यस मैम. एंड आई थिंक इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक बिकॉज इवन दे आर सेइंग आंसर इज सी, बट आई थिंक बाय मिस्टेकली दे आर राइटिंग आंसर इज नीदर और. ठीक है, नेक्स्ट. हो जाता है मैम, गलती इंसान से होती है. वही ना, बनी जैसा स्मार्ट है इंसान है अपने क्लास में, और क्या चाहिए. चलो अभी फटाफट से ओनली फ्यू, क्यों नहीं आ रहा है एक्चुअली. तुम लोगों को ऐसा दिमाग चलाने जैसा क्वेश्चंस चाहिए था, थोड़ा सा ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट सम पॉसिबिलिटी और समथिंग. गाइज इफ यू ऑल हैव द PDF, कैन यू ऑल हेल्प मी आउट? कैन यू ऑल ऑल्सो सर्च सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस इफ यू ऑल आर गेटिंग, देन लेट मी नो, वी कैन गो to the page directly. गाइज आई ऑल सर्चिंग. इतना शांत क्यों हो गए सब लोग, भाई हो ना तुम लोग? यस मैम, अभी हम जिंदा है. अच्छा ऐसा. ओके एवरीवन सी हियर गाइज, दिस वन, दिस क्वेश्चन, दिस आंसर आल्सो इज सी, आइदर और. गाइज क्या एक ट्रिक बताऊं मैं तुम लोगों को, बिना सॉल्व करे तुम लोगों को आंसर आ सकता है. ठीक है, कभी ऐसा लगता है ना कि एग्जामिनर अपने को धोखा दे सकता है ना. हो सकता है बीवी के साथ झगड़ा हुआ हो तो अपने को ही धोखा देगा वो, है ना. मैम इसमें डायगनली नहीं है ना, पॉट्स एंड टीवी. डायगनली नहीं है बट पैरेलली है ना, ऐसा सीधा सीधा है ना. सी एल ड्रॉ एंड टेल यू दिव्या.
सो बेसिकली ऐसा है, सम पॉड्स आर टीवी है, ठीक है, नो पॉड्स आर टीवी है, यानी कि ये पैरेलली सेम है ना, पैरेलल किसको बोलते हैं, ऐसे पैरेलली सेम है गाइस, या तो ऐसा सेम होना चाहिए या तो पैरेलली सेम होना चाहिए, अगर ऐसा रहेगा ना तो आंसर क्या आएगा, आइदर और, इसका आंसर क्या आएगा, आइदर और, मैं चेक कर लेती हूँ, इसका आंसर है सी, सी आइदर और, क्लियर एवरीवन? तो ऐसे भी कंक्लूजन में मैं जब भी आइदर आएगा तो ध्यान से देखना पड़ेगा, बट इसका एक कंडीशन है, ठीक है, इसका क्या कंडीशन है मैं बताती हूँ, ये जो नॉट है ना, नॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो स्टेटमेंट्स है ना गाइज, एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, सारे स्टेटमेंट्स मैंने देख लेने एक बार, सारे स्टेटमेंट्स मुझे क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर बिना ड्रॉ किए बोल देने का इधर और, बट जो ना 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 करते हैं ना, ना ना, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, तो ना ना नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, आइदर और, ओके, नाउ नेक्स्ट, आप नो के तो ऊपर बोल रहे हो क्या, जिधर स्टेटमेंट दिए उधर नो नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, सी हियर, यार दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव गाइज, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव, मैं आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी वॉट, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, आइदर और, डायरेक्ट मतलब ये देखने के बाद मुझे दिख रहा है दोनों सेम सेम है पैरेलल में या डायगनल में, आंसर वुड बी डायरेक्ट आइदर और, ओके, नाउ मैम तो नीदर और का वगैरह भी कोई ट्रिक है क्या, नीदर और का ट्रिक नहीं है, सिर्फ इधर और का ट्रिक है बस, मैं फिर से दिखा नो वाला, मैं दिख रही हूँ, एक मिनट, हाँ आई एम नॉट गेटिंग द पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई, डन मैम, डन मैम, अगर स्टेटमेंट में दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो नाइदर नॉर आएगा ना, नीदर नॉर का करते हैं हम लोग, रुक जाओ दो मिनट दे दो बस मेरे को, नीदर नॉर करना है ना तुम लोगों को, रुको जरा, यू ऑल आर सो लकी गाइस कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहा है, ओके ये वाला सॉल्व करो गाइज, ये वाला सॉल्व करो जल्दी, मैम वो आइदर वाला आएगा, मैम आइदर वाला आएगा, हाँ मैम मे बी आइदर वाला ही आएगा, सम एंड नो, अच्छा आइदर वाला, आइदर वाला आएगा, ध्यान से देखो और फिर बोलो, ध्यान से आइदर और के दुनिया में कितने केसेस आते हैं मेरे को रिपीट करके सब लोगों ने बताना है, जितने लोग हैं ना सारे लोग बोलो, आइदर और के कितने केसेस होते हैं, 5 होते, 6 होते, 7 होते, 10 होते, 1000 होते, 100 होते, कितने होते हैं, 3 होते, 3 होते, क्या क्या होते हैं, फर्स्ट क्या था, सम एंड सम नॉट, सम एंड नो, ऑल एंड सम नॉट, ओके व्हेन आई एम सीइंग डायरेक्टली फ्रॉम आईज कि दोनों नो 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 दिख रहा है तो व्हाई शुड आई मार्क माय आंसर एज इधर और, दो दो मतलब ये वाला दो नहीं, इंग्लिश वाला दो, दो द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम बट स्टिल बोथ द स्टेटमेंट हैज नो सो माय आंसर कैन नॉट बी आई नीदर, ये नीदर का केस है, हां बट एक स्टेटमेंट में सब में ये नीदर है ना, एक नीदर वन नीदर टू आएगा मैम, ठीक है ठीक है विशाल, ओके so am you are saying something ma'am, one statement has some and the other one is no, yes. Right, so the either and or law follows, yes perfect, one statement has some and no, okay, one it can be some and no, it can be some and some not, it can be all and some not, yes Prithvi you were saying something, हाँ मैं बोल रहा था कि दोनों भी स्टेटमेंट नहीं जाएगा, हाँ इवन विशाल यू आर सेइंग द सेम थिंग राइट, यू ऑल आर राइट, ओके यस मैम, मैं बताती हूँ कैसे राइट हो तुम लोग, नाउ सम डॉग क्या है गाइस, काओ, अभी सोचते हैं मत बैठना यार, डॉग काओ कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सम डॉग आर काओ, नो काओ इज कैट, ठीक है, अब देखो यहाँ से, नो डॉग इज कैट गाइस, नो डॉग इज कैट पता है क्या, मुझे ये पता है कि सम डॉग आर नॉट कैट बट नो के बारे में मैं नहीं बोल सकती, आंसर आएगा डज नॉट फॉलो, नो कैट इज डॉग, कैट इधर है, डॉग इधर है, दूर का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, आंसर क्या आएगा डी, neither one nor two follows,
जितने लोग पूछ रहे थे नीदर और के बारे में सबको समझ फिर, में फिर, आया फिर, मैंने तो सही बताया, मैंने तो सही बताया। हाँ पृथ्वी वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, और जो लोग मन में बता रहे थे वो लोग भी वेरी गुड। ठीक है मैम, ये तो क्रॉस क्रॉस है ना, तो ये आइदर वाला आएगा ना। क्रॉस क्रॉस है लेकिन आइदर और के कितने कंडीशन थे, सम एंड नो, सम एंड सम नॉट। ठीक है बराबर मैम, बराबर, गलती नॉट। समझ में आया बात मैम? मुझे डाउट है। हाँ बोलो मैम, इसमें ये दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने तो नो ही बोला, नो डॉग इज कैट, तो सही है ना, डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों ट्रू आने चाहिए। बट डॉग का सिर्फ कुछ हिस्सा, कुत्ते क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी, डॉग का कुछ कुछ हिस्सा बिल्ली नहीं है, ये इतना मुझे पता है। डॉग का कुछ हिस्सा काओ में है मुझे इतना पता है। कैट का सारा हिस्सा काओ ने, काओ का सारा हिस्सा कैट नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना पूरा का पूरा डॉग कैट है या नहीं, मुझे नहीं पता। जो चीज़ तुम लोगों को नहीं पता है गाइस, उसमें या तो पॉजिटिव दिया होगा या तो नेगेटिव दिया होगा, दोनों में भी हम लोग क्या बोलेंगे, छिकाने वाली ऐसा लग रहा है। हाँ दोनों भी हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट फॉलो। ठीक है समझ में आई दिव्या, सुप्रिया सॉरी। हाँ मैम आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम, आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये वाला सेंटेंस मेरे को, इसका आंसर जल्दी बता दो, जल्दी आंसर कहेगा, क्विक एवरीवन। Either or. Are you sure? Either or. Nahida. Yes, ma'am. Nahida, how do you pronounce your name? Nahida. Nahida. Okay, nice name. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, what about trust? Ma'am, either. Yes, very good guys. Answer is either or. दिख रहा है मुझे सम एंड नो दिख रहा है, पिन पिन दिख रहा है, पेन पेन दिख रहा है, खत्म बात, आंसर क्या आएगा either or. Next. मैम तो सम और नो, वो जो either and or के तीन स्टेटमेंट्स है वो हमें स्टेटमेंट में देखने हैं या कंक्लूजन में? कंक्लूजन में, कंक्लूजन में देखने है ना। नेक्स्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्रॉस में होना चाहिए ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पैरेलल हो चाहे क्रॉस हो, क्रॉस हो या पैरेलल हो, देखो क्रॉस मतलब ऐसा, अच्छा, अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, इसको क्या हो गया, अरे एक मिनट, हाँ मतलब पिन, अभी सम पिंस आर पेंस लिखा है तो नीचे नो पेन आर पिंस, ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब सेम जैसा लिखा है, टर्म सेम और एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक चाहे नेगेटिव हो, ऐसे होना चाहिए तब जाके आइदर का केस बनता। ओके आई होप यू इट इज क्लियर गाइज, आई डोंट नो व्हाई माई पेन इज नॉट राइट, आई मीन इट इज गोइंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हो गया सबका सॉल्व करके, नेक्स्ट 36 नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो गाइज, ये बहुत मजा आता है, ये क्वेश्चन कर लो सॉल्व। दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर कैट एंड आई थिंक क्लैट में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं करेंगे, सबको करना है। मैम बोथ फॉलो हो जाएगा। व्हाट अबाउट अदर्स? मैम नहीं समझ में आ रहा। ओके शायद फिर सेकंड फॉलो होगा। ओके देखते हैं। इट्स सेइंग दैट ऑल डोर्स आर विंडोज, ठीक है, सम विंडोज क्या है, क्लिप, इतना क्लियर है सबको। सम क्लिप्स, कुछ क्लिप्स आर डोर्स, कुछ क्लिप्स जो कि डोर्स है गाइस वो लोग विंडो भी है, ठीक है, कुछ क्लिप्स जो कि डोर है वो विंडो भी है, ये मुझे नहीं पता,
नेक्स्ट, ऑल क्लिप्स जो विंडो नहीं है आर ऑल्सो नॉट डोर. समझ में आ रहा है गाइस? इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. कुछ क्लिप्स, ऑल क्लिप्स विच आर नॉट विंडो आर ऑल्सो नॉट डोर. आई थिंक टू फॉलोअर्स, व्हाट डू यू ऑल थिंक? सम क्लिप्स आर डोर्स. ये बट मेरे को लग रहा है कि नीदर नॉर आना चाहिए इसका आंसर. नीदर ही आएगा यार. ओके लेट्स सी द आंसर नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके आंसर इज ई. दोनों भी आंसर ये है, बोथ फॉलो कर रहे हैं. गलत हो गया आंसर इसका. एक मिनट गाइस, गलत हो गया मेरा भी आंसर. मैम कंक्लूजन में इफ लिखा है ना. हाँ, इफ का मतलब होता है गाइस हो सकता है. यस, वो इफ छुप गया नहीं क्या मैम? हाँ छुप गया वो. ऐसा लग रहा है ना कि वो वन वन क्लिप्स आर डोर्स दिख रहा है ना गाइस. इफ का मतलब होता है अगर, मगर वाला अगर. अगर 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 का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है. ठीक है, अगर कुछ क्लिप्स डोर है. ठीक है, बनाते हैं वापस. ऑल ऑल डोर्स कहाँ गया? ऑल डोर्स क्या है? विंडोज है. कुछ विंडोज क्लिप्स है. अभी वो बोल रहा है सम क्लिप्स अगर, सॉरी ये वाला गाइस, ये वाला ध्यान से देखना, ये मैंने भी मिस किया. इफ सम क्लिप्स आर डोर्स देन दे आर ऑल्सो विंडोज. यस, अगर क्लिप को मैंने गाइज वो बोल रहा है कि अगर डोर के जगह पे मैंने क्लिप डाल दिया तो विंडो भी तो हो सकता है ना. तो आंसर क्या आएगा? फॉलो करेगा. नेक्स्ट, ऑल क्लिप्स विच आर नॉट विंडोज आर ऑल्सो नॉट डोर. ये तो हमारा पहले भी फॉलो कर रहा था ना. इसका आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो. ठीक है गाइज, ये वाला मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देख लेना इसका सोल्यूशन, आई मीन आंसर. क्लियर एवरी वन? एनी वन इज हैविंग डाउट? अस्मिता क्लियर? नो मैम, फर्स्ट ऑल एक्सप्लेन करो ना. संजना देखो क्या बोल रहा है. अगर अगर कुछ क्लिप्स डोर होते, अगर कुछ क्लिप्स, अगर कुछ क्लिप्स डोर होते, मतलब गाइस इमेजिन करना है अपने दिमाग में कि डोर के जगह पे हम क्या रख रहे हैं? क्लिप को रख रहे हैं. ठीक है, डोर के जगह पे क्लिप रख रहे, यानी कि वो बोल रहा है कि उस केस में वो लोग विंडो भी है. हाँ, अगर डोर के जगह पे क्लिप आ रहा है यानी कि वो विंडो के अंदर आ रहा है, राइट? इसका मतलब वो विंडो भी है. ठीक है संजना, समझ में आया? नो मैम, आप ड्रॉ करके बताओ ना मैम. ठीक है, ड्रॉ करते अपन. एक काम करते, दूसरा मैं कलर यूज करती हूँ, दैट इज योर फेवरेट कलर. व्हाट इज योर फेवरेट कलर संजना? रेड. ओहो रेड. हा चलो, सम इफ सम क्लिप्स आर डोर्स गाइस. ये जो क्लिप है ना, इसको मैंने उठाया यहाँ से, ये डोर के जगह पे समझो कि मैं इस क्लिप को रख रही हूँ. ठीक है, इमेजिन करना है. उस केस में बोल रहा है देन देन दे आर ऑल्सो विंडोज. फिर वो लोग विंडो भी है. हाँ विंडो भी है, क्योंकि विंडो के अंदर आ रहा है ना, इसलिए आंसर क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट, ऑल क्लिप्स विच आर नॉट विंडो, यानी कि ये ऑल क्लिप्स जो कि विंडो नहीं है वो डोर भी नहीं है, क्योंकि डोर तो विंडो के अंदर आ रहा है ना, इसलिए आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलोस. क्लियर संजना? यस मैम. रेस्ट अस्मिता, शुभम, विशाल, नाहिदा, दिव्या, मयूर, बनी, यस मैम, रेस्ट अदर्स. नेक्स्ट, एक मिनट, स्क्रीनशॉट मैं भेज देती हूँ ग्रुप में तुम लोगों के रेफरेंस के लिए. मैम एग्जाम में कोई ड्राइंग वगैरह आता है क्या आपको? क्या सिर्फ ऑप्शंस रहेगा? सो आई डिडंट गेट यू. मैम एग्जाम के टाइम पे कोई ड्राइंग वगैरह आता है हमें या सिर्फ ऑप्शंस रहेगा उसमें सिलेक्ट करना है? ड्राइंग नहीं, ड्राइंग नहीं आता. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हिच एग्जाम? सो एसएससी मैम. एसएससी में बिल्कुल ड्राइंग वाला आता है, वो मिरर इमेज, वाटर इमेज वाला ड्राइंग का आएगा. बट इसमें गाइस, इसमें हमें खुद से मेहनत करना है, खुद से ड्रॉ करना है और खुद से आंसर टिक करना है. गाइज मैं एक बात बोलूँ तुम लोगों को, सीक्रेट है ये बात, सुनो ध्यान से बिल्कुल, है ना, कॉपी नहीं करना. पता है ऐसे कुछ नलायक लोग रहते हैं ना, मतलब उनको ना, उनका उनको खुद नहीं आता रहता है और उन लोग गलत बता देंगे, तुम्हारा जो सही भी रहेगा ना वो भी गलत रहेगा. सो स्पेशली इन गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग एग्जाम्स गाइज, डू नॉट कॉपी. ठीक है, किसी पर भरोसा नहीं करना, अपना खुद का मेहनत करो और जाओ. नेक्स्ट गाइज, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आर सेशन. Can you all solve this question, please?
तुम लोगों ने स्कूल वगैरह में कभी कॉपी किया है क्या? कितने अच्छे बच्चे हैं सब लोग, किसी ने कॉपी नहीं किया है। वेरी गुड गाइस। मैम बोथ फॉलो जाएगा। ओके बोथ फॉलोज। ओके व्हाट इज इट सेइंग दैट्स ऑल सीट्स आर हॉट। ओके ऑल बेल्ट्स आर हॉट। ऑल बेल्ट्स आर हॉट। इट्स सेइंग सम सीट्स आर बेल्ट, सम सीट्स आर बेल्ट, वी डोंट नो। ऑल हॉट आर ईदर सीट्स और बेल्ट। सारा का सारा हॉट या तो सीट हो सकता है या तो बेल्ट हो सकता है। ऑल एंड सम, नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक इसका नीदर और आना चाहिए आंसर। यस नीदर और, आंसर इज डी। मैम कैसे कैसे मैम, बट सम सीट्स आर बेल्ट्स, तो सीट और बेल्ट दोनों एच के अंदर है ना। सी बेसिकली ना इसका दो तरीके का डायग्राम हो सकता है गाइस। ये अगर हो सकता है ना, एक इंसान जैसे मैं अलग सोच रही हूँ, हो सकता है आप लोग भी अलग सोच रहे हो, है ना, कोई और अलग सोचे। एक तरीका ऐसा हो सकता है ये डायग्राम को बनाने का। एक और तरीका हो सकता है गाइस बनाने का, वो है अगर मैंने इसको ऐसे बनाकर ऐसे बनाया कि ऑल सीट्स आर हॉट बना के, या फिर ऑल बेल्ट्स आर हॉट, या ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे करके कर दिया। बट गाइज ऐसा बोला नहीं है ना। अगर ऐसा बोला होता तो हमने ऐसे ड्रॉ किया होता कि सम सीट्स आर बेल्ट भी होना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला आंसर, इसका एक ही ड्रॉइंग बनता है, वो यही है ड्रॉइंग। ठीक है, कैसे आंसर फॉलो होगा गाइज? सी, सम सीट्स आर बेल्ट, मुझे बोला है क्या कहीं पे क्वेश्चन में सम सीट्स आर बेल्ट बोला है क्या? सीट और बेल्ट दूर है, तो मेरा ये आंसर क्या होगा? डज नॉट फॉलो। सेकेंड, ऑल हॉट जो है या तो सीट है या तो बेल्ट है, फिर भी मुझे नहीं पता, मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिया, तो मैं इसको भी गलत बोलूंगी। आंसर क्या आएगा? डी। क्लियर एवरी वन? विशाल क्लियर? ओके मैम। यस मैम। मैम सेकेंड क्वेश्चन मुझे फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके दिव्या सेकेंड बोल रहा है कि ऑल हॉट्स जो है वो या तो सीट है या तो वो क्या है, बेल्ट है। लेकिन सारा का सारा हॉट को सीट पे बिठाने के लिए या सारा का सारा हॉट को बेल्ट में बिठाने के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिया है। ऐसा होना चाहिए था, स्टेटमेंट शुड हैव बीन ऑल हॉट्स आर आइदर सीट्स और बेल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, ऐसा देना चाहिए था। अगर ऐसा दिया होता तो मेरा आंसर क्या होता, फॉलो करता है। बट ऐसा नहीं दिया है इसलिए आंसर डज नॉट फॉलो, सेकेंड डज नॉट फॉलो। क्लियर दिव्या? यस। आर यू श्योर? क्लियर? यस यस। ओके व्हाट अबाउट अदर्स गाइज? क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके सो गाइज आई थिंक देर आर सम मोर क्वेश्चंस गाइज विच वी आर लेफ्ट आउट। ठीक है, ये इस पीडीएफ में मेरे को नहीं लगता अगर है या नहीं। आई वॉन्ट यू ऑल टू सर्च इट गाइज एंड ग्रुप में मैसेज कर देना, डाल देना मैसेज कि मैम मिला नहीं मिला जो भी है। और अगर नहीं मिलता है गाइज मेरे को फिर भी मैसेज डाल दो तुम लोग ग्रुप में कि हाँ मैम नहीं मिला जो भी है। तो मैं काम कर देती हूँ, मैं खुद ही सर्च कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे पक्का, वो है ओनली फ्यू वाले और कुछ पॉसिबिलिटी वाले, वो मुझे तुम लोगों को कराने। ठीक है, आई थिंक सिलोगिज्म वी आर नॉट एंडिंग इट टुडे गाइज, वी वुड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट मोर। नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डूइंग ओनली फ्यू वाला कंडीशन एंड योर पॉसिबिलिटी वाला कंडीशन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है दूसरे चैप्टर में जाना है कि आगे कंटिन्यू करना है, बोलो मेरे को। कंटिन्यू ओनली 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 फ्यू वाले और पॉसिबिलिटी वाले। ठीक है, ओके सो गाइज लेट्स, अभी एंड नहीं करना है सेशन, एक मिनट तुम लोग फटाक से ना वो रेड बटन पे क्लिक करके निकल लेते हो। नहीं, ओके सो गाइज लेट्स डू अ क्विक रिविजन बिफोर यू ऑल गो टू हैव योर डिनर। ओके नाउ गाइज टेल मी व्हाट डिड यू ऑल लर्न टुडे, क्या क्या पढ़ा आज? मम्मी ने अगर पूछा क्या बोलोगे? सिलोगिज्म। क्या बात है, क्या आंसर दिया सिलोगिज्म। क्या होता है सिलोगिज्म? Syllogism is representation of statement into diagrams, maybe. Okay. Or, guys, I don't want definition. So basically, tell me, guys, what are the either or के कितने conditions होते हैं दुनिया में? तीन conditions. Okay, सब लोग एक मिनट पहले अच्छे से बैठो, सब लोग straight बैठो और मुझे सब लोग ये बताओ कि कितने कंडीशंस होते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। तीन कंडीशंस। क्या क्या है वो? सम एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। हाँ, थर्ड वाला क्या था?
ओके सो बेसिकली गाइस तीन होते हैं, सब लोग मेरे साथ ही बोलो, ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट, सम एंड नो, सम एंड नो, ऑल राइट ओके, सम एंड सम नॉट। इसका क्या होता है, अगर क्रॉस में सेम आया तो हम लोग आइदर और मार्क कर सकते हैं, पैरेलल में सेम आया तो मार्क कर सकते हैं, बट द स्टेटमेंट अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं, बट अगर स्टेटमेंट में हमें नेगेटिव दिया है तो यू ऑल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड सी। ठीक है, नाउ गाइस इफ आई एम सेइंग सम स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू के साथ अगर मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ा तो फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा? फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी चलो लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ते गाइज, आगे तुम लोगों ने क्या सीखा और कुछ सीखा? और बाकी तो वही। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मैंने बोला गाइज 90% बॉयज आर इंटेलिजेंट, मुझे इसका मतलब बताओ सब लोग। यस परफेक्ट, 90% हो 99% हो 100% असले तर आपण काय म्हणणार? हाँ, only science or technology, मुझे इसका मतलब बताओ कैसे बनाऊं डायग्राम में? टेक्नोलॉजी स्मॉल बनेगी। हाँ वेरी गुड, ऑल साइंस और टेक्नोलॉजी लास्ट में क्या है? टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी पहले स्मॉल बनाऊंगी उसके मतलब ऑल टेक्नोलॉजी या व्हाट साइंस, क्लियर एवरीवन? यस ओके, सो गाइस वी वुड बी कंटिन्यूइंग द सिलोगिज्म इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके सो आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइस एवरीवन। यस मैम, लेक्चर का लिंक दे प्लीज। लेक्चर का लिंक ठीक है, कहाँ भेजू, मेरे वाले ग्रुप में भेजू कि रीजनिंग वाले में भेजू? हाँ मैम चलेगा, आपके वाले ग्रुप में ना भेजा करो, पांच का जो लेक्चर होता है उसका बहुत इश्यू हो रहा है तो मुझे टेंशन आ रहा है कैसा पोर्शन कवर होगा। हाँ मुझे भी, हाँ मैम मुझे ये साल तो करना ही है कुछ भी करके, इसलिए मिस हो रहा है अभी, देखो ना रीजनिंग।